नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। रीवा बना पहला सामूहिक विवाह केंद्र। 1400 से ज्यादा जोड़ों ने SF मैदान में 7 फेरे में बनने की खाई कस्में। रीवा के SF मैदान में 1400 से ज्यादा जोड़ों ने विवाह किया, जिसमें अल्पसंख्यक जोड़े, निःशक्त जोड़े सहित वो तमाम जोड़े मौजूद रहे जो कि शादी तो धूमधाम से करना चाहते थे लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में सामूहिक विवाह करने वाले जोड़ों के लिए 51,000 की राशि देना तय की थी। पहले यह रकम सामान के रूप में दी जाती थी, अब यह जोड़ों के खाते में सीधे डाली जाएगी। वहीं निःशक्त जनों को 1,00,000 रुपए देने की बात भी कांग्रेस के वचन पत्र में थी, जिसे भी वह निभाने जा रही है। हम प्रचार प्रसार में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं, यह कहना था सामाजिक कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन लखन घनघोरिया का। हम आपको बता दें, प्रभारी मंत्री का यह रीवा का दूसरा दौरा था। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कई आयोजनों में भाग लिया। प्रभारी मंत्री का सुपर अस्पताल जिला अस्पताल ना जाना चर्चाओं में रहा। माननीय मुख्यमंत्री जवाहरलाल जी का कि अपने वचन पत्र में जो हमने वचन दिया था, शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 वचन की के आदेश पे दस्तखत किए थे माननीय कमलनाथ जी ने। उसमें पहला था कि किसानों का कर्जा माफी का, और दूसरा दस्तखत किया था तो कन्यादान योजना में जो 26,000 की राशि थी उसको बढ़ाते 51,000 किया, और ये राशि 51,000 करने के बाद ये विधिवत और व्यवस्थित रूप से इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो, कहीं कोई लीपा पोती ना हो, इसके लिए भी एक कार्य योजना बनाई कि अब जो पैसा आएगा उसमें 48,000 रुपया सीधे उस बच्ची के खाते में जाएगा जिसकी शादी है। ये नहीं कि आयोजक पूरी सामग्री में 26,000 खत्म कर देते थे, और आपको मालूम पिछली समाज सरकार में सामग्री कैसी होती थी, फाइल से लेके पलंग तक बड़ा चला के 5 गुना राशि बताई जाती थी, और आम जनों को जिनको जरूरत हो, जरूरतमंदों को वो पैसा मिल नहीं पाता था। इसलिए आपकी सरकार ने यह तय किया कि सीधे खाते में पैसा जाएगा, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं होता, और इससे बड़ा दान कोई नहीं होता। जिंदगी का सबसे पुण्य यदि कहीं मिलता है तो कन्यादान, और ये पुण्य काम रीवा के लोगों ने सबसे पहले किया, इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। सुपर अस्पताल में पहले OPD प्रारंभ करने की बात थी, बाद में उसे निरीक्षण में बदल दिया गया था, फिर भी प्रभारी मंत्री निर्धारित समय पर अन्यत्र चले गए। हम आपको बता दें, सुपर अस्पताल में वह सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं जो कि अस्पताल संचालन में जरूरी होती हैं। बस कमी है तो डॉक्टरों की, जिसे भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। यह कहना था अस्पताल की नींव से लेकर पूरा होने तक की बारीकियों से नजर रखने वाले डॉक्टर SK पाठक का। 150 करोड़ की लागत से बने सुपर अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं। बस कुछ ही पलों में यहाँ पर यहाँ के प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया इस अस्पताल का निरीक्षण करने आएंगे। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस अस्पताल का उद्घाटन कब किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं इस अस्पताल पर शुरू से ही अपनी नज़र बनाए हुए, पल पल एक एक ईंट की बुनियाद अपने सामने रखकर आज इस मुकाम पर पहुंचाने वाले डॉक्टर पाठक जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस अस्पताल में अभी कितना काम बचा है, कितनी व्यवस्थाएं अभी पूरी होनी है जिसका इसका विधिवत उद्घाटन हो सके। ये कब तक उद्घाटन होने की स्थिति में आ जाए? 1 महीने। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कुछ डॉक्टर यहाँ पर इंटरव्यू दे के गए थे, तो कितने डॉक्टरों की भर्ती हो चुकी, कितनी मशीनरी आ चुकी है? 5 डॉक्टर तो ज्वाइन कर लिए हैं,
3 डॉक्टरों को और इंटरव्यू हुआ है। मशीनरी 40% आ गई है। एक महीने में मशीनरी और हमारे जो हॉस्पिटल फर्नीचर है वो पहुंचने की पूरी उम्मीद है। एक महीने का समय। इस अस्पताल की क्या खासियतें होंगी? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी स्पेशलिटी हैं यहाँ पर। DM और MCS डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ हो रहे हैं और हमारे जो मूल मरीजों को बाहर शहरों में जाना पड़ता था वो रीवा की जनता को इसके शुरू हो जाने के बाद में रीवा क्या पूरे दिन में शुरू हो गया। जैसा कि डॉक्टर पाठक का कहना था कि एक महीने के बाद यहाँ के गंभीर मरीजों को इस शहर के बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उल्टा होगा, दूर दूर से लोग यहाँ पर आएंगे अपना इलाज कराने के लिए। बस एक महीने की बात है, आज यहाँ पर प्रभारी मंत्री के आने के बाद वो डेट भी घोषित हो जाएगी। लगभग आधी मशीनरी आ चुकी है, अस्पताल पूर्ण रूप से बन चुका है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। वहीं प्रभारी मंत्री ने 2,30,00,000 की लागत से बने विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन भी किया। साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में जिला स्तरीय निरामयम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आयुष्मान योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे अल्प आय या गरीब तबके के जो व्यक्ति जो अच्छे उपचार से वंचित रह जाते थे और शासकीय चिकित्सालयों के अतिरिक्त जो अच्छी सुविधाएं जो बेहतर जो प्राइवेट चिकित्सालय भी हैं जो वहाँ उनका इलाज नहीं हो पाता था आवश्यकता अनुसार, तो इस आयुष्मान निरामयम स्वास्थ्य योजना में ऐसे जो अपना 2000 की SECC जनगणना है और जो असंगठित क्षेत्र के संबल कार्डधारी श्रमिक हैं व खाद्य पात्रता पर्ची वाले जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं इनको शामिल किया गया है और प्रत्येक परिवार का 5,00,000 का कैशलेस बीमा किया गया है और साल में एक बार कोई भी सदस्य अगर बीमार पड़ता है तो उसका जो भी उपचार है जो भी ऑपरेशन का खर्चा है वो शासन वहन करेगी और उसका उपचार जो शासकीय जिला चिकित्सालयों या कि चिकित्सा महाविद्यालय के जो अस्पताल हैं या कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पे उनका उपचार संभव हो पाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ही आयुष्मान जो अपनी निरामयम योजना है इसका मुख्य उद्देश्य ही है और इसमें कोई बजट अलग से प्रस्तावित नहीं किया गया है। हर जो इसमें अपनी जो SEC डाटा है जनगणना के जो और जो पात्र हितग्राही हैं इनके हर परिवार का 5,00,000 का बीमा किया गया है और जो भी इनको आवश्यकता अनुसार जब इनका इलाज में खर्चा होगा वो बीमा कंपनी 5,00,000 तक रुपए का इनका प्रावधान है वो भुगतान करेगी और इनका इलाज उसमें सुविधा दी जाएगी इनको। आज अपने जिला चिकित्सालय में भी पूरे प्रदेश के साथ जिला स्तरीय ये निरामयम स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 1,053 मरीज पंजीकृत किए गए और उसमें से विभिन्न जो अपने निरामयम के साथ साथ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत जो चिन्हित बीमारी हैं उनकी उपचार से कराने हेतु ऐसे मरीजों का जांच कराई गई पंजीयन के पश्चात और उनका अब एस्टिमेट बनेगा और जो इम्पैनल हॉस्पिटल हैं अपने शासकीय हों चाहे निजी चिकित्सालय उनको रेफर करके उनको सुविधा दिलाई जाएगी। आज ये बाल हृदय रोग उपचार योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर और बांझपन के इलाज के लिए अपने भोपाल से टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से और एक दुबे अस्पताल है जबलपुर में तो ये इन्होंने यहाँ पे सक्रिय भागीदारी निभाई और उनका ऐसे मरीजों को चिन्हित किया गया है। साथ ही जो अपने ज़िले में करीब 1500 जो कॉमन सर्विस सेंटर चिन्हित किए गए हैं जो कि जो आयुष्मान योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही हैं उनको आयुष्मान कार्ड जारी करने कार्य कर रहे हैं तो अपने यहाँ 4 कॉमन सर्विस सेंटर भी यहाँ पे उन्होंने सेवाएं दी और आयुष्मान कार्ड बनाए हैं उनको जिससे कि भविष्य में अगर उनको आवश्यकता पड़े तो जो चिन्हित अस्पताल हैं वहाँ पर जाके अपना सीधा इलाज कराएँ और जिन ऐसे जो ये मरीज हैं इनको आयुष्मान कार्ड है जब उनका इस योजना के जो पात्र हितग्राही हैं वो रीवा के साथ साथ जबलपुर नागपुर या उत्तर प्रदेश
या जहाँ ये योजना संचालित है वहाँ जाके सीधा अपना उपचार प्रारंभ करा सकते हैं। एक्चुअली इसमें कोई संख्या शुरू में नहीं रहती है, हमने पूरे जिले से हमारे 9 ब्लॉक्स में कैंप हुए थे, उनमें जो केस देखे गए थे उन्हीं में जो आयुष्मान के हितग्राही हो सकते हैं, जिनको अपन स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं, उनको बुलाया था। इसके अलावा चूँकि अर्बन शहर था, अर्बन है, तो इसमें भी जो लोग आए थे, टोटल यहाँ पर आज की OPD लगभग 1032 लोगों की हुई है। उस 32 में लगभग 250 केसेस को सेलेक्ट किया गया है जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं और जिनको इसमें आयुष्मान के तहत सुविधा दी जा सकती है। आयुष्मान के साथ साथ RBS के है, RBS के मतलब होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और उसमें से कटे फटे होंठ हैं, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना है, मुख्यमंत्री श्रवण योजना है, और एक होता है आड़े तिरछे पैर, क्लब फुट कहते हैं, कभी कभी पैर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ा रहता है। इन सब की स्क्रीनिंग की गई है। इसमें से अब इनके जिनके भी हितग्राही होंगे, जिनके पास इस योजना का लाभ लेने का मतलब प्रोटोकॉल के तहत जो उसमें उचित कालम में आ जाएंगे, उन सबको किसी न किसी संस्था में उपचार की व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारा उपचार तो हमारे जिला अस्पताल में होता है, साथ में मेडिकल कॉलेज है और ये प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ पर बिंदा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। यदि इनमें भी नहीं होगा तो जो संस्थाएं प्रदेश में, चाहे हमारे पास तो जबलपुर से भी डॉक्टर्स आए थे, कार्डियोलॉजी के भी डॉक्टर्स आए थे, साथ में हमारे भोपाल से बांझपन, आजकल एक नई समस्या खड़ी हो रही समाज में कि मेरे को मानना है, मेरा मानना कम से कम 5 से 10% महिलाएं जो शादी के बाद उनको बच्चे होने में कोई ना कोई समस्या हो जाती है, तो उनका भी उपचार के लिए हमने भोपाल से टीम बुलाई थी, और उसमें जो भी केसेस उस योजना के पात्र होंगे उनको भोपाल भेज करके उनका उपचार कराया जाएगा। हमारा कैंप में हाँ बांझपन के हमारे पास 12 केसेस आज सेलेक्ट किए गए हैं। इनके पे कागजी कार्रवाई करने में अभी समय लगेगा एक दो रोज, इसके बाद इनकी संख्या निश्चित होकर के और इनका उपचार दिलाने का प्रयास किया जाएगा।